हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये नेकलाइन बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कैनवास पेपर लिया है, इसकी लेंथ है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच। हमें इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच। यहाँ पे नेक डीप लेना है 5 इंच। यहाँ पे भी 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए, पूरे में 1-1 इंच पे मार्क करते जाएंगे। और इन पॉइंट्स को जोड़ के राउंड शेप दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। ये देखिए इस तरह से। अभी जो हमने नेक कट किया है इसे यहाँ पे हमें चिपकाना है। ये देखिए, इस निशान से मिलाते हुए हम इसे रखेंगे यहाँ पे और प्रेस से इसे चिपका देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेस से चिपका दिया है। यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से अभी हम इसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमें फोल्ड करते जाना है। देखिए, बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पे फोल्ड करते हुए। देखिए, इस तरह से हमारा पैच बन जाएगा। अभी हम इसे फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे कुर्ती के, तो हमें इस फ्रंट पार्ट को उल्टा रख देना है। यहाँ पे हमें सेंटर पे निशान लगा लेना है। पैच के सेंटर में भी हमने कट लगा लिया है। अब यहाँ पे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे नेक के शेप में। ये देखिए, कैनवस पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल साइड में सिलाई लगाएंगे। देखिए, सिलाई लगा दी है यहाँ पे। अभी 1/2 इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और इसे सीधी साइड में टर्न कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे टर्न कर लिया है। अभी एक स्क्वायर पीस लेना है, ये 2x2 का है। इसे हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करना है। इस तरह से हमें ट्रायंगल बनाने हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिए हैं। और यहाँ पे हमें इसके अंदर रखना है इसे, और इसके ऊपर हमें दूसरा रखना है ओवरलैप करते हुए। सारे ट्रायंगल हम यहाँ पे ओवरलैप करते हुए लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लगा दिए। अभी हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे।
तो इसके लिए क्रॉस स्ट्रिप कट कर ली है, तो हमें इसे उल्टा कर देना है और क्रॉस स्ट्रिप को हम यहाँ पे सीधी साइड से लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमें बाहर निकालना है यहाँ पे, और बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस स्ट्रिप को हम बाहर रखेंगे और एकदम किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लगा ली है क्रॉस स्ट्रिप। अभी हम इसे टर्न कर देंगे, इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल आएगी। यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है हमें, साइड में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग लगा ली है। अभी हम फैब्रिक बटन बनाएंगे, आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं। ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो एक इस तरह से कपड़ा लेना है और नॉर्मल बटन इसके अंदर रख देना है और इसे अच्छे से घुमा लेना है और एक सुई धागा लेके हम इसे स्टिच कर देंगे। देखिए हमें इसे अच्छे से स्टिच घुमा के स्टिच कर लेना है और गांठ लगा लेनी है यहाँ पे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट कर लेंगे। और इसे यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है सेंटर में। ये देखिए इस तरह से हमारी नेकलाइन बन गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।